गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आपको पता है, नो योर एग्जाम ट्रेंड के नाम से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम में आए हुए सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा चल रहा है उसका नाम है साइंस, राइट? तो साइंस की हम लगभग 6 वीडियोस 10-10 क्वेश्चंस की बना चुके हैं। उसी सीरीज में हमारी आज 7th वीडियो है, जिसमें हम अगेन साइंस के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन। इन चारों में से कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, राइट? और नहीं है पूछा है नॉट। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी नॉट कहीं दिखे आपको क्वेश्चन पेपर में, उसको जरूर अंडरलाइन कर लें, क्योंकि हमारी टेंडेंसी हमेशा यही रहती है कि हम क्वेश्चन का सही जवाब दें, लेकिन नॉट, है ना, नॉट करेक्ट, ऐसी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, राइट? तो नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसमें वैसे थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि लगभग ये चारों ही हैं, पर ये फोर्थ जो टर्म है बहुत ही वेग टर्म है, दैट इज मूवमेंट ऑफ हैंड। मूवमेंट ऑफ हैंड जो है हमारी रिफ्लेक्स एक्शन भी हो सकती है, यानी कि इनवॉलंटरी एक्शन भी हो सकता है ये, लेकिन ये वॉलंटरी भी है, हम अपनी थॉट प्रोसेस के साथ भी मूवमेंट ऑफ हैंड करते हैं। तो इट कैन बी सेड दैट इट इज नॉट अ स्ट्रिक्टली अ रिफ्लेक्स एक्शन, राइट? तो उसका जो सही आंसर है दैट इज फोर्थ डी, मूवमेंट ऑफ हैंड, राइट? तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, कोई गर्म पानी का ग्लास है, आप उसको टच कर लो और आपको पता नहीं है कि उसका टेम्परेचर कितना है, तो आप उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? आप उसको टच करोगे और देखोगे, आपको जैसी लगेगा कि वो गर्म है, ऑटोमेटिकली आपका हाथ पीछे आ जाएगा, दैट इज इनवॉलंटरी, जो आपका इनवॉलंटरी जो एक्शन हुआ दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो उसका सही ऑप्शन है डी। सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, राइट? तो आपकी बॉडी का जो पोस्चर है, इक्विलिब्रियम है आपके, ब्रेन का कौन सा पार्ट मेंटेन करता है? तो इसका जो सही आंसर है That is C, hind brain, जो आपके ब्रेन का पीछे वाला पार्ट है, this area, यहाँ पे आपका एक organ है, small organ part of hind brain, which is called cerebellum. तो ये जो cerebellum है, it helps us to maintain the posture and equilibrium, right? तो आपका जो ब्रेन है उसका जो hind brain structure है कुछ ऐसा है, right? और इसमें जो ये portion है cerebellum, it helps us to maintain the posture and equilibrium of body. तो सही आंसर है C. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन व्हेन इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो लिटमस सॉल्यूशन जो कि हम सब जानते हैं कि एक एसिड और एक बेस का इंडिकेटर है, राइट? अगर आप एसिड डालोगे तो डिफरेंट कलर देगा, बेस डालोगे तो डिफरेंट कलर देगा, जिससे हमें पीएच लेवल का पता लग सकता है किसी भी सॉल्यूशन का कि वो एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। लेकिन बात यह है कि अगर वो ना एसिडिक है ना बेसिक है, उस टाइम न्यूट्रल स्टेट में वो किस तरह का कलर शो करेगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है, राइट आंसर है, दैट इज डी, पर्पल। तो जब आपका लिटमस सॉल्यूशन ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, उस केस में ये पर्पल कलर का होता है, अदरवाइज योर एसिड टर्न्स योर ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, राइट? तो सही आंसर है पर्पल, डी ऑप्शन, कुछ इस तरीके का कलर का ये दिखता है इन न्यूट्रल स्टेट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो जैसे अगर मैं पहली दो स्टेटमेंट्स की बात करूं, तो इसमें ऑल आपको एक शब्द दिख रहा होगा यहाँ पे और यहाँ पे, जो आपका ऑल शब्द है या आपका नन शब्द है, दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, के बहुत ही एक्सट्रीम स्टैंड ले लिया है। जनरली साइंस में या हर सब्जेक्ट में ही किसी ना किसी चीज की लेके तो एक्सेप्शन होती है, और साइंस में तो पक्का ही। तो 90, मैं कहूंगा 95% से भी ज्यादा केसेस में आपकी जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं ऑल वाली, वो गलत ही होती है, राइट? और अगर मैं फोर्थ ऑप्शन देखूं, तो हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज OH नेगेटिव आयन, अगेन दिस इज रॉन्ग। तो राइट ऑप्शन इज सी, एंड अल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। तो अल्कली एक ऐसा बेस है जो पानी में डिजॉल्व हो सकता है। All alkalis are bases, but not all bases are alkalis. तो सभी के सभी soluble नहीं होते, right? तो सही option है C. An alkali can be defined as a base that dissolves in water. Next question is,
व्हाट डज पी रिप्रेजेंट इन पीएच, राइट। तो जो पीएच हम बोलते हैं स्केल जो आपका 0 से 14 के बीच में लाए करता है, जिसमें 7 जो है वो न्यूट्रल है, तो उसमें जो पीएच में आपका पी है इसका क्या मतलब है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज पोटेंस। पोटेंस इज अ जर्मन वर्ड। हालांकि ये क्वेश्चन भी अगेन थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो इस वजह से क्योंकि पोटेंस का इंग्लिश मीनिंग जो है दैट इज पावर, ठीक है। तो इसको लेके काफी डिबेट चली थी, लेकिन बाद में आपके एचपीपीएससी ने एनसीईआरटी को फॉलो किया और एनसीईआरटी में पोटेंस को ही पीएच को, पीएच में जो पी है उसको पोटेंस ही बताया गया है। अदरवाइज एक फ्रेंच टर्म है दैट इज प्यूजेंस, PUISANCE अगेन विच मीन्स पावर, तो वो भी है, लेकिन मतलब उसका पावर ही है, लेकिन जो हम लेते हैं पीएच में पी का मतलब जो वर्ड है दैट इज पोटेंस विच इन इंग्लिश मीन्स पावर, बट राइट आंसर इज योर टी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, राइट। तो ये है कुछ आपका पीएच स्केल जिसमें 7 वैल्यू है दैट इज न्यूट्रल, 7 से नीचे जाओगे इट इज एसिडिक, और 7 से ज्यादा होगा तो अल्कलाइन। इस साइड आपके एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, इधर कम होनी शुरू हो जाएगी, और आपके OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, राइट। तो पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन, तो इनमें से कौन सा आपका रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट नहीं है आंख का? मायोपिया, नियर साइटेडनेस ऑफकोर्स इज अ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया, दोनों की वजह से अगेन है जो नहीं है पूछा गया है डज नॉट, दैट इज कैटरैक्ट। तो जो सही आंसर है कैटरैक्ट, कैटरैक्ट आपका रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट नहीं है बल्कि मोतिया, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि आपकी आंख का जो लेंस है क्लाउडी हो जाता है, उस पर एक धुंधली सी लेयर बन जाती है जिस इंसान को ब्लर्ड दिखता है। दो तरह का होता है, सफेद मोतिया, काला मोतिया, राइट। तो ये आपके देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है इस लेंस में ये व्हाइट से कलर की है ना, क्लाउडी सी लेयर बन गई है, है ना। तो दिस इज योर कैटरैक्ट बट इट इज नॉट अ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो राइट ऑप्शन जो है दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम बेंड्स द मोस्ट, राइट। तो लाइट की बेंडिंग का पूछा है प्रिज्म में जो डिस्पर्शन के टाइम पे होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि जिस कलर की वेवलेंथ होगी सबसे कम यानी कि एनर्जी होगी सबसे ज्यादा, उस केस में उसी कलर की बैंडिंग होगी सबसे ज्यादा। तो अगर मैं अपने विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करूं जो कि 7 कलर्स का बना हुआ है विब की ओर, राइट, तो इस विब की ओर में इस वॉयलेट के ऊपर हाई एनर्जी वाली साइड चले जाओगे तो यूवी आ जाएगा, और रेड से नीचे एनर्जी की साइड चले जाओगे तो इंफ्रारेड आ जाएगा। तो इस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी है वी की और सबसे ज्यादा वॉलेट की, और जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है दैट इज ऑफ रेड, लेकिन मैंने बताया कि जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी बेंडिंग ज्यादा, यानी कि राइट आंसर इज योर बी दैट इज वॉयलेट कलर। तो उसका सही आंसर है बी वॉयलेट, अगर प्रिज्म से आप करते हो तो सबसे ज्यादा बेंडिंग जो होगी वो वॉयलेट कलर की होगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो आपके स्टार्स हैं जगमग जगमग करते हैं रात को, तो उनके पीछे आखिर क्या साइंटिफिक कारण है? तो इसका सही आंसर है, बहुत ही आई गेस इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है बी रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि आपका जो स्टार है स्पेस में उससे जो लाइट आपकी तरफ आ रही है वो हर मीडियम पे हल्की सी बेंड हो जाती है ड्यू टू रिफ्रेक्शन, क्योंकि जैसे जैसे लाइट नीचे आ रही है, नीचे आ रहा है आपका डेंसर मीडियम, ठीक है, ऊपर है आपके रेयरर मीडियम, तो नीचे आती आती लाइट आपकी बेंड होती रहती है टुवर्ड्स नॉर्मल, जिस वजह से और जिस हर पॉइंट पे लाइट बेंड होती है वहां पे हमें ऐसा लगता है कि लाइट चली गई, विच इज द कॉज ऑफ योर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो राइट आंसर इज बी रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, राइट। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रिस्पॉन्सिबल टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट ये है कि जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी कि ऑप्टिकल मीडियम में एंटर करती है, डेंसर से सपोज रेयरर में या रेयरर से डेंसर में ऐड कर रही है, तो उसकी बेंडिंग हो जाती है हल्की सी, बेंडिंग होती है बिकॉज हर मीडियम में, हर ऑप्टिकल मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट है ना, वैक्यूम या एयर में सबसे ज्यादा है, जैसे जैसे ऑप्टिकली डेंसर होता जाएगा मीडियम लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से वो बेंड हो जाती है, तो इसी बेंडिंग का कारण है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल्स एनर्जी सोर्स. बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन. सोलर आपका रिन्यूएबल है, विंड आपका अगेन रिन्यूएबल है, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन तो बन नहीं सकता, ना ये दोनों बन सकते हैं. तो राइट आंसर है दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर. जो आपका न्यूक्लियर फ्यूल है राइट, दे आर इट इज नॉन रिन्यूएबल इन नेचर. के एक बार अगर ये एग्जॉस्ट हो गया, इट इज एग्जॉस्टेबल नेचर. के एक बार आपने जितने भी अपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं लाइक यूरेनियम प्लूटोनियम है जो भी खत्म हो जाए तो उनको वो दोबारा नहीं बनते. तो इट इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. यस इट इज अ एनर्जी सोर्स विच इज नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड. तो पॉल्यूटिंग नहीं है ये, जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं कोल है या आपकी दूसरे डीजल है पेट्रोल है इस तरह के, इनकी तरह पॉल्यूशन नहीं करता, फॉसिल फ्यूल बेस्ड नहीं है. बट अगेन इट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी राइट. सी इज द आंसर. न्यूक्लियर एनर्जी इज यूजली कंसिडर्ड अनदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. यूरेनियम इज यूरेनियम एक एग्जाम्पल है आपका यूरेनियम, जिसका हम एक आइसोटोप है यूरेनियम 235 आइसोटोप राइट विद मास नंबर ऑफ 235 विच इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. एंड अगेन इट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट. तो अगेन बहुत ही ईजी क्वेश्चन. आपको पता है कि मीटर भी है, किलोग्राम भी है, सेकेंड भी है, तो ये तीनों आंसर तो नहीं हो सकते क्योंकि नॉट पूछा है. तो आंसर इज बी विच इज 1/1000 ऑफ अ क्यूबिक मीटर. इसको भी हम मीटर की टर्म्स में ही लेते हैं राइट. तो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा इसका आंसर लीटर. तो लीटर इज नॉट अ फंडामेंटल विच इज इक्वल टू 1/1000 ऑफ अ क्यूबिक मीटर राइट. तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन. इन वीडियोज को जरूर देखते रहिए क्योंकि आपके HPS एग्जाम में बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन डाल के पूछे जाएं. अगर आप ट्रेंड्स भी देखोगे तो उसमें आए भी हैं, जैसे एक वॉशिंग मशीन वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था सेंट्रीफ्यूगेशन से रिलेटेड, वो एक नहीं दो नहीं तीन बार पूछा जा चुका है. इन क्वेश्चंस को जरूर देखिए क्योंकि सिलेबस जो है बहुत ही लिमिटेड है. बार बार क्वेश्चंस इनमें या इनके आसपास के टॉपिक से ही बनेंगे राइट. तो थैंक यू वेरी मच, कीप फॉलोइंग.